भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद 6 दिन के भीतर 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि पंजीकरण की प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और रविवार तक 56,960 तथा सोमवार को 90,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी और इसके एक सप्ताह बाद तक योजना के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। वायुसेना ने ट्वीट किया कि अब तक पंजीकरण वेबसाइट पर 2 लाख अभ्यर्थियों ने अग्निवीरों के आवेदन किया है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है। वायुसेना के अग्निवीरों को अग्निवीरायु का नाम दिया गया है। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा, शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा। एयरफोर्स में अग्निवीरायु की 3500 भर्तियाँ होनी है। साइंस विषय के लिए आवेदक गणित, फिजिक्स और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए। अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए या 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय इंजीनियरिंग या डिप्लोमा धारक होना चाहिए या फिजिक्स व मैथ्स से 2 नॉन वोकेशनल विषयों के साथ 50% अंकों से 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स होने चाहिए। बता दें कि साइंस विषयों के अलावा अन्य विषय के लिए किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होनी चाहिए। अंग्रेजी में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच हुआ हो। अगर अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरण पास कर लेता है तो एनरोलमेंट के दौरान अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष होगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की लंबाई कम से कम अच्छी होनी चाहिए, वहीं सीना 5 सेमी फुला सके। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से किया जा सकता है। इन चरणों में होगा उम्मीदवारों का चयन। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, फिर शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, मेडिकल टेस्ट। अंतरिम चयन सूची 1 दिसंबर 2022 को आएगी। एनरोलमेंट 11 दिसंबर 2022। आपको बता दें कि www.agnipathvayu.cdac.in/avreg-controller/sosign पर जाएं। रजिस्टर्ड अभ्यर्थी साइन इन करें, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो न्यू यूजर पर क्लिक करें। सभी डिटेल्स भरें, ईमेल व एसएमएस पर आया ओटीपी डालें। ईमेल पर पासवर्ड आएगा, ईमेल आईडी व पासवर्ड का इस्तेमाल कर साइन करें। अब नया पासवर्ड बनाना होगा। नया पासवर्ड बनने के बाद लॉगिन करें और फॉर्म भरें। आपको बता दें कि लगातार बिहार में कई जगहों पर तोड़फोड़ और घटनाएं भी अग्निपथ योजना को लेकर शामिल हुई हैं। अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल आर्मी में सेवा का मौका दिए जाने को लेकर युवाओं में भीषण गुस्सा देखा जा सकता है। बिहार के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अग्निवीर के खिलाफ यह प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। सरकार का प्लान है कि सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जाए। कम उम्र के युवाओं को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए जवानों में से सिर्फ 25% को सेना में रखा जाएगा। इसी को लेकर छात्रों का विरोध है कि बिहार के जहानाबाद और छपरा समेत कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सेना में जाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग और छुट्टियों को मिला दें तो कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की कैसे हो सकती है।